सिंगरौली में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद के चलते व्यक्ति ने आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एनसीएल मुख्यालय के एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में पदस्थ 52 वर्षीय ओंकार नाथ पांडे ने अपने एनसीएल आवास पर फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस मामले में मृतक के पुत्र आदेश पांडे ने बताया कि उनके पिता देर रात शराब के नशे में आए थे। सुबह उनका शव पंखे से लटका मिला। बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। एनसीएल की मोरवा कॉलोनी में रहने वाले ओंकार प्रसाद पांडे जो हेडक्वार्टर में पदस्थ थे, कल रात हमने कितने कारणों से फांसी लगा ली है। आज हमने उस मर्ग कायम करके पीएम करवाया है, पीएम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है और मौत के कारणों की हम जांच कर रहे हैं कि किस कारण से हमने आत्महत्या की। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।